आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पिछले एक महीने से लगातार कोरोना संक्रमण के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज 500 हैं तो कल 700, 700 हैं तो फिर 800, 850, 900, 1000। नियमित रूप से मैं देख रहा हूं, एक महीने से लगातार कोरोना संक्रमण के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना महामारी से देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, हर किसी को पूरी दवाएं नहीं मिल रही, लाशों का अंबार लगा हुआ है और शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई है। एक साथ कई कई लाशें जल रही है और बहुत ही हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो रहा है। कोरोना दुनिया भर में अलग अलग रंग दिखा रहा है। दुनिया में इस समय 27 तरह के म्यूटेशन हैं। एक से बढ़कर एक स्ट्रेन लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। यह आपातकाल है और यह आरोप प्रत्यारोप या किसी की गलती निकालने का समय नहीं है। इस समय हम सभी को मिलजुल कर कोरोना से जंग लड़नी है, लेकिन पूरे विवेक और समझ के साथ। इसीलिए आज इस वीडियो में हम किचन थेरेपी के साथ साथ एलोपैथी की भी चर्चा करेंगे। हालांकि एलोपैथी दवाओं से मेरा पूरा विरोध है, लेकिन इस समय लोग अपना आपा खो चुके हैं, अधीर हो गए हैं और तुरंत राहत चाहते हैं। भय, घबराहट और अधीरता के कारण लोगों का नर्वस सिस्टम बिगड़ रहा है, फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सांस फूल रही है। ऐसे में कोरोना अधिक हावी हो रहा है, मौतों का आंकड़ा भी इसीलिए बढ़ रहा है। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों की मौत के समाचार लोगों को अधिक से अधिक भयभीत करते जा रहे हैं, डरा रहे हैं। दूसरी ओर एक और खेल चल रहा है, कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का। लोग यह मान बैठे हैं कि टीका लग जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे और हमें कभी कोरोना नहीं होगा, लेकिन यह गलतफहमी है। यह टीका ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है। हम आगे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के अधिकृत बयानों से भी आपको रूबरू कराएंगे और कोरोना से संबंधित हर सवाल का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आप इसे पूरे धैर्य पूर्वक, यदि आप चाहते हैं कि आप कोरोना के शिकार ना हो, यदि और हो गए हैं तो तुरंत आपको आराम मिले, राहत मिले, आपके कोई रिश्तेदार कोरोना के शिकार ना हो, और यदि हो गए हैं तो उनको भी जल्दी से जल्दी राहत मिले, तो आप हमारा ये वीडियो आज का पूरा ध्यान से सुनिएगा और अपना उपचार करिएगा। कोरोना वैक्सीन अजर अमर होने का पट्टा नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का काम जारी है और करोड़ों लोगों को पहली या दोनों डोज लग चुके हैं। सरकार और लोग धड़ल्ले से बिना सोचे समझे वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। सरकारी लोगों को रिकॉर्ड बनाना है, सामाजिक संगठनों को अपना परचम लहराना है, कुछ को अखबारों में फोटो छपवाना है तो कुछ को वाकई समाज हित में लोगों को सुविधा मुहैया करवाना है और लोगों को अमर होने का पट्टा देना है। लेकिन हो रहा है उल्टा, क्योंकि लोग विवेक शून्य होकर कई बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद टीका लगवा रहे हैं और फिर बीमार पड़ रहे हैं। टीका लगवाने के बावजूद कोरोना हो रहा है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है, जबकि टीका बनाने वाली कंपनी खुद आगाह कर चुकी है कि अमुक बीमारी वाले लोग टीका न लगवाएं। लेकिन वेग में सब हो रहा है, अंधी दौड़ लगी हुई है। जैसा कि तय किया गया था, पहले फेज में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों व अन्य कोरोना योद्धाओं को यह वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन खासकर कई वरिष्ठ डॉक्टर्स ने यह वैक्सीन नहीं लगवाई। आधे कोरोना योद्धाओं ने वैक्सीन नहीं ली। क्यों नहीं ली, कारण समझ जाइएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। अब जब मामला सीनियर सिटीजन्स का आया या 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का आया, तो भीड़ ऐसी उमड़ी कि कई जगह वैक्सीन खत्म हो गई। इसका मनोविज्ञान आप समझिए, अधेड़ और बुजुर्गों को मौत का डर कितना सता रहा है। सब अमर होना चाहते हैं और यह भी भूल रहे हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने स्पष्ट घोषणा की है कि यदि किसी बीमारी के वजह से आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या आप कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए।
और प्रायः अधेड़ उम्र के लोगों व बुजुर्गों को किसी न किसी बीमारी ने घेर रखा है। चलो, अपनी अपनी इच्छा है, फिर भी कंपनी की फैक्ट शीट के आधार पर हम यह बताना जरूरी समझते हैं कि वे लोग वैक्सीन न लगवाएं जिन्हें एलर्जी की शिकायत है, जिन्हें बुखार है, जो लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं या हृदय रोगी हैं, जिनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिनके स्टंट लगा हुआ है और जो खून पतला होने की दवाई ले रहे हैं, हाइपरटेंशन और हाई बीपी जिनको है, या एचआईवी से ग्रस्त हैं, किसी भी प्रकार के कैंसर से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं स्तनपान करा रही है, वह वैक्सीन नहीं लगवाएं। इसके अलावा भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मामलों में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, जिसके बारे में पूरी जानकारी वैक्सीनेशन ऑफिसर को देनी चाहिए। जब आप वैक्सीन लगवा रहे हों तो ऐसी बातों की जानकारी आपको वैक्सीनेशन ऑफिसर को देनी चाहिए। यदि किसी बीमारी की वजह से आपकी नियमित दवाएं चल रही है तो इसकी जानकारी भी आपको देनी चाहिए, यानी वैक्सीन लगवाने से पहले अपने बारे में आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। सामाजिक संगठन लोगों को एजुकेट करने के लिए ऐसा एक बैनर बना करके अपने वैक्सीनेशन कैंप में लगवा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया, बल्कि विपरीत इसके लोगों को आंख मीच कर टीका लगवाने के लिए उत्तेजित किया। सबको अपना अपना नाम कमाना है, डंका बजाना है। अब सवाल यह उठता है कि यह वैक्सीन आपको कोरोना से कब तक बचा कर रखेगी। मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मेरे शब्द आप विपरीत नहीं लें, आगे मैं बयान बता रहा हूं जो कंपनियां हैं उनके जो सीईओ हैं वे उन लोगों के। वैक्सीन आपको लाइफ टाइम COVID-19 से बचने की गारंटी नहीं देती, लेकिन कुछ वक्त तक आप संक्रमण से फाइट कर सकते हैं। इन दिनों वैक्सीन का डोज लेने वालों के मन में एक सवाल यह भी है कि अगर वे टीकाकरण करवाते हैं तो उनके शरीर में इसका असर कब तक रहता है, या यूं कहें कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी कितने दिनों के लिए बढ़ जाती है। तो आप सुनिए, अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 4,000 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का पर टीकाकरण के बाद स्टडी की है, और इस रिसर्च में पाया गया है कि फाइजर, बायोएनटेक व मॉडर्ना की वैक्सीन 80% तक प्रभावी रही, 80% तक प्रभावी रही, जबकि दूसरी खुराक के बाद उसका असर 90% हो जाता है। वहीं सीरम का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन को अगर दो तीन महीने के अंतराल में दिया जाए तो वह 90% तक असरदार है। कोवैक्सीन को भी 90 से 59% तक असरदार माना जा रहा है। मालूम हो कि अमेरिका में मॉडर्ना और फाइजर द्वारा विकसित वैक्सीन को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच में एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के डायरेक्टर मेरे मैकब्राइड ने दावा किया था कि ये वैक्सीन 2 से 3 साल के लिए COVID-19 संक्रमण को लेकर इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के थर्ड फेज की स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह 6 महीने तक लोगों को वायरस से बचा सकती है। अब आप सोच लीजिए, कुछ वैक्सीन का असर 6 महीने से साल भर तक माना जा रहा है। इधर वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर के प्रमुख ने गुरुवार को 15 अप्रैल 2021 को प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा है कि टीकाकरण के 12 महीने के भीतर लोगों को उनकी कंपनी की वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत पड़ सकती है। सीईओ अल्बर्ट बोरला ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ वार्षिक टीकाकरण की आवश्यकता हो सकती है। सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि अनुक्रम क्या होगा और कितनी बार हमें ऐसा करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अभी देखना बाकी है। उन्होंने कहा, एक संभावित परिदृश्य यह है कि वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत होगी और यह 6 महीने से 12 महीने के भीतर हो सकता है, यानी 6 महीने से 12 महीने के भीतर आपको तीसरी डोज लेनी होगी और फिर उसके बाद में वार्षिक टीकाकरण की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वेरिएंट इसमें अहम भूमिका निभाएंगे।
और इस समय में दुनिया में 27 वेरिएंट हैं। बता दें कि ये महामारी लंबे समय तक चलेगी। आप सोच रहे हैं कि महीने, दो महीने, चार महीने में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसा कि जब कोरोना शुरू हुआ, कोरोना का की लहर शुरू हुई, उस समय में 21 दिन का लॉकडाउन करते समय में ये कहा गया था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में पूरा हुआ, लेकिन हमें 21 दिन चाहिए, और 21 दिन का लॉकडाउन किया था तैयारी के लिए। और के लिए कितनी तैयारी हुई, क्या हुआ, मैं उस सवाल के जवाब में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि इस समय में मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, सकारात्मक हूँ, और मैं किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। मैं सीधा सीधा आम जनता को कैसे राहत मिले और आम जनता का सोच किस प्रकार बने और वो अपने विवेक से क्या करे, उसी पर बात करूँगा। बस तथ्य सामने रख रहा हूँ मैं। बता दें कि यह महामारी जो है लंबे समय तक चलेगी, इसलिए सिर्फ टीकाकरण पर निर्भर ना रहें, हमारी किचन थेरेपी का पूरा इस्तेमाल करें। कोविड से बचने के लिए जो दवाएं दी जा रही है आप वे भले ही लें, किंतु खान पान की जो चीज़ें हम बता रहे हैं उन्हें बिल्कुल ना छोड़ें। हम देश भर के अस्पतालों में दी जा रही इन प्रमुख दवाओं और खान पान की चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी दें, उससे पहले यह सावधानी दिला देना चाहते हैं कि आप घबराएं नहीं, भयभीत ना हो। हर समस्या का समाधान है, बस अपना आपा ना खोएं, क्योंकि यदि आप घबरा गए तो आपका नर्वस सिस्टम पे बुरा असर पड़ेगा और आप ज़्यादा बीमार होंगे, आपके शरीर की इम्यूनिटी सारी खत्म हो जाएगी और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपना आपा कभी नहीं खोएं। लोगों को लगातार मास्क पहनने का सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन मास्क पहनने के दौरान भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, अन्यथा इससे भी गंभीर शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूं बहुत सारे। इंसान सांस के जरिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन मास्क पहनने पर कार्बन डाइऑक्साइड मास्क से धीरे धीरे बाहर निकलती है, वहीं मास्क के कारण ऑक्सीजन शरीर में कम मात्रा में पहुंचती है। इस वजह से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ज़्यादा देर तक मास्क लगाना सही नहीं है। मास्क पहनने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पर इसमें मौजूद हाइपरकेनिया, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन संस्थान का मानना है कि ज़्यादा समय तक मास्क लगाने पर शरीर को कई नुकसान हो सकते हैं, इसलिए जब ज़्यादा लोगों के बीच मौजूद हों तो मास्क जरूर लगाएं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ में ना हो तो मास्क का उपयोग कम कर सकते हैं। फेफड़े पंक्चर होने की स्थिति को निमोथ्रॉक्स कहा जाता है, इसलिए इसमें फेफड़े पंक्चर हो सकते हैं और हवा फेफड़े और चेस्ट वाल के बीच में भर जाती है। इसके बाद आदमी के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए मॉर्निंग वॉक या रनिंग के समय में कभी भी मास्क न लगाएं, क्योंकि उस समय में फेफड़े जो है वो आपका पूरी तरह काम नहीं कर पाएंगे और चेस्ट में और वॉल के बीच में हवा भर जाती है, जिसके बाद में फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। इस स्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक मास्क पहनकर रनिंग करने से फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। ऐसे रनिंग करने से फेफड़ों को क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ता है और वे जवाब दे देते हैं, और इससे कई घटनाएं हो चुकी है जब फेफड़े जो है वो फट गए और आदमी की मृत्यु हो गई। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है इस साल भर के दौरान। ज़्यादा देर तक मुंह पर मास्क लगाए रखने से लोग हाइपर केपनिया का शिकार हो सकते हैं। कोरोना की इस महामारी में मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि लोग हमेशा मुंह पर मास्क पहने रहें। मास्क जरूर लगाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। चंडीगढ़ में इस कारण कई लोगों की समस्या होने का मामला सामने आया है। हर समय मास्क लगाए रखना आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। मुंह पर ज़्यादा देर तक मास्क पहने रहने से लोगों में अब तरह तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं।
क्योंकि आपके फेफड़े तो वहीं कमजोर हो जाते हैं। अब फेफड़े कमजोर हो गए और ऐसे में कोरोना हो गया आपको, तो ये दुगुनी पीड़ा हो गई, दुगुना जो है समस्या पैदा हो गई। ज्यादा देर तक मास्क पहनने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आना, चक्कर आना, घबराहट होना, सिर में दर्द जैसी समस्या, तमाम समस्याएं सामने आ रही है। चंडीगढ़ में सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस तरह के कई केस सामने आए हैं। इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त लोग डॉक्टरों को दिखाने के लिए पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार जांच में यह सामने आया कि ज़्यादा देर तक मुंह पर मास्क पहनने से लोगों को ऐसी समस्याएं हो रही हैं। पीजीआई जो देश का सबसे बढ़िया शानदार हॉस्पिटल है, सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर और पद्मश्री डॉक्टर दिगंबर बेहरा ने बताया कि ज़्यादा देर तक मुंह पर मास्क लगाए रखना गलत है। कोरोना की इस महामारी को देखते हुए मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और यह बेहद जरूरी भी है, लेकिन लोगों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वह घर के अंदर हैं तो अपने मुंह पर मास्क न लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऑफिस या सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं तो मास्क हर हालत में पहने, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लगातार 1 घंटे से अधिक देर तक मुंह पर मास्क न लगाएं। लगातार 1 घंटे से ज़्यादा मुंह पर मास्क नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए यानी 15 से 20 मिनट मुंह से मास्क हटा करके अकेले में खुले में सांस लें। इससे सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, घबराहट होनी, सिर में दर्द जैसी समस्याएं नहीं होगी। यदि आप बीच बीच में खोल करके 15-20 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे, खुले में सांस लेते रहेंगे, तो आपको ये सब समस्याएं नहीं होगी। डॉक्टरों के अनुसार मास्क पहनने से मुंह और नाक से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से मुंह और नाक के जरिए फेफड़ों तक जाती है। ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा शरीर में जाने से लोगों को यह समस्या होती है। इससे लोगों को सांस और हृदय संबंधी समस्याएं हो जाती है, इससे हाइपरकैपनिया कहते हैं। यदि कोई भी मास्क लगा करके सुबह दौड़ लगाता है तो यह भी गलत है, क्योंकि दौड़ लगाते समय ऑक्सीजन की अधिक ज़रूरत होती है। इसके अलावा N95 मास्क सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए ज़रूरी है, बाकी लोग घर पर बने कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं। ऐसे मास्क पहनने पर सांस में तकलीफ नहीं होती है। कोशिश यह करें कि सभी काम एक साथ करने के लिए भी ही बाहर निकलें, हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार बाहर ना आया जाया करें। घर पर ही बनाए मास्क और उपयोग करने के बाद अच्छे से साफ करें। घर में कॉटन के कपड़े से मास्क तैयार किया जा सकता है। कॉटन का कपड़ा आरामदायक भी होता है। मास्क को पहनते समय थोड़ा ढीला पहनना चाहिए। टाइट मास्क पहनने पर सांस लेने में दिक्कत होगी और नाक पर रेशेस हो जाएंगे। बच्चों के लिए मास्क बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कपड़ा कॉटन का हो और वह पतला हो, ताकि बच्चों को सांस लेने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। लोगों को सांस संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ का कहना है कि प्रदूषित वातावरण में रहने से दिल और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और तीव्र श्वसन संक्रमण प्रमुख हैं। बच्चे यानी तीव्र श्वसन संक्रमण से अधिक शिकार होते हैं, तो इसलिए कभी भी ये मास्क पहनने से पहले थोड़ा सा सोच लें और मास्क को कैसे पहनना, कब तक पहनना, इसका विवेक रखें। अन्यथा अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, तीव्र श्वसन संक्रमण हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है और ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके लिए एक और समाधान है कि आप घर में तुलसी के पौधे लगाएं। अब यदि आपका घर उस तरह का नहीं है और फ्लैट है, तो फ्लैट में आप तुलसी के गमले लगा दें 5-7। तुलसी का पौधा एकमात्र पौधा ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो नेचुरल जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगी, और दूसरा जो भी काढ़ा वगैरह आप बनाएंगे रेगुलर 5-7 तुलसी के पत्ते या चाय में, दूध में बॉईल करके या काढ़े में बॉईल करके आप ज़रूर पीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा, आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। जो देश भर में
प्रमुख अस्पतालों में कोरोना के लक्षणों का मुकाबला करने और राहत के लिए जो प्रमुख दवाएं दी जा रही हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। एक टैबलेट एवरमेल्टिनो दी जा रही है 12 mg की, और दूसरा टैबलेट डॉक्सी वो दी जा रही है, टैबलेट जिंकोनिया दी जा रही है, टैबलेट नेमसी दी जा रही है, टैबलेट मोंटेयर दी जा रही है, टैबलेट रिलेंट दी जा रही है, और कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति वाला पेशेंट है तो उसको टेमीफ्लू भी दी जा रही है, और बीटाडीन से गार्गल करने के लिए कहा जा रहा है। बीटाडीन से करें या काला नमक वाले गुनगुने पानी से करें, और एक इंजेक्शन रेमडेसिविर बहुत गंभीर परिस्थिति वाला जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चला गया हो, तो ऐसे गंभीर पेशेंट्स को आईसीयू में रख करके वो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको अभी भी ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने मन से भय को निकालें और विश्वास करें कि आप 5-7 दिन में ठीक हो जाएंगे, बस कमजोरी दूर होने में थोड़ा समय लग सकता है। दरअसल भय, घबराहट और लगातार मुंह पर मास्क लगाने से लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। भय और घबराहट, तनाव आदि से नई बीमारियां आपको हो सकती हैं, बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेमरेज, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इनसे बचें। जब तक आप मास्क लगा करके रखते हैं, मास्क के कारण लगातार गंदी हवा ही आपके शरीर में रिपीट होती है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, यह हालत रोग कारक है। इससे आपके फेफड़े कमजोर और संक्रमित होते हैं, इसलिए, और घर में भी बंद रहने पर आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए जैसे ही अवसर मिले नीम के पेड़ के नीचे या गार्डन की शुद्ध हवा में बिना मास्क आधा घंटे खुल करके गहरी सांस लें। ध्यान रहे आपके 2 मीटर के दायरे में अन्य लोग ना हो। भीड़ से हमेशा दूर रहें। ये मैं नेचुरोपैथी और किचन थेरेपी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पानी हमेशा खूब पिए। यदि आपको बुखार है तो पानी जितना रूटीन में पीते हैं उससे डेढ़ा पानी पिए, और खूब यूरिन पास होने दें। पानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन फ्रिज और वाटर कूलर का पानी नहीं पिए। जो लोग हर समय मास्क पहनने की वकालत करते हैं या पुलिस आदि इसके लिए दबाव डालते हैं, वे सरासर गलत करते हैं। जब आप अकेले हैं, अकेले अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपना मास्क नीचे उतार करके गहरी सांस ले सकते हैं। जब आप अकेले हैं और आसपास कोई नहीं है तब आप मास्क नीचे उतार सकते हैं, जैसे ही कोई आपके पास आए मास्क ऊपर चढ़ा लें। हर थोड़ी देर में एकांत में जाकर के मास्क ढीला करके शुद्ध हवा में गहरी सांस भरें। जो पुलिस वाले लूट का काम कर रहे हैं और किसी तरह से आपका चालान बनाना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उनको खुद को सोचना चाहिए, उनको खुद को भी मास्क इसी तरह से यूज करना चाहिए। डॉक्टर्स को और कोरोना वॉरियर्स को भी ये तरीके अपनाने चाहिए, और आम जनता को भी इसी तरह से एजुकेट करना चाहिए जैसा चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने किया है। इसके अलावा नियमित रूप से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि 60 ग्राम अखरोट, 8 बादाम, 8 खुरमानी जलदारू, 8 मुनक्का, और जिनको डायबिटीज़ है वे मुनक्का के बजाय काली द्राक्ष लें, और 2 अंजीर सुबह सुबह खाएं खाली पेट। सवेरे उठते से ही पानी पीना है 0.5 लीटर। सवेरे उठते से ही बिना कुल्ला किए 0.5 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए, और उसके बाद ब्रश वगैरह सारा करके, और जब आप नाश्ता करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि ये ड्राई फ्रूट्स आप खाएं। घर में सफ़ेद नमक बंद करें और काला नमक का उपयोग करें, लाल मिर्च बंद करें और काली मिर्च का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। शक्कर की बजाय गुड़ का सेवन करें, रिफाइंड ऑयल बंद करें और घाणी का सरसों का तेल काम में लें या फिर ऑलिव ऑयल का उपयोग करें। बाजार का मैदा बिल्कुल बंद करें, 1 आंवला रोज खाएं। बाजार का फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड बिल्कुल ना खाएं, यह आपकी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करेगा और कोरोना को बढ़ावा भी देगा। कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। भिंडी ना खाएं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा भिंडी आजकल जो है ज़्यादा उत्पादन, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, बच्चों को वही पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए केमिकल और फर्टिलाइज़र का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से पंजाब में गेहूं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र्स वगैरह का उपयोग किया जाता है, और अब लोग कहने लगे हैं कि वहाँ कैंसर की खेती हो रही है, यानी वो जो गेहूँ है वो कैंसर कारक हो गया है, उसी तरह से भिंडी
से भी आप जितना बचें अच्छा है। कद्दू, मूली, गाजर, संतरे ये ज़रूर खाएं। और यदि आपको बुखार वगैरह है तो कुटक, चिरायता, कड़वे नीम के पत्ते और तुलसी पत्र के साथ बनाया गया काढ़ा 3 दिन सुबह शाम पीने से बॉडी इस प्रकार की हो जाती है कि भविष्य में कम से कम 6 माह तक बुखार या किसी प्रकार के संक्रमण की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरा, यदि आपको बुखार आ रहा है, लगातार बुखार आ रहा है, कई लोगों को ये कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद में लगातार बुखार आ रहा है, तो उनको 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक, यदि शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो 1 घंटे तक पाँव के तलवे में मसाज करिए, तो उससे आपकी गर्मी, और कांसे की कटोरी लेकर के उससे मसाज करिए, कांसे की कटोरी का पिछला हिस्सा जो निचला हिस्सा जो है उससे घी को घिसिए, और जैसे जैसे वो नीला पड़ता जाए उसको हटाते जाइए और दूसरा घी लगाते जाइए। मुझे 1.5 महीने तक लगातार बुखार रहा और एक रात मैंने ऐसा किया, पूरा बुखार हमेशा हमेशा के लिए चला गया, अब तक बुखार नहीं आया पिछले 9 महीनों में, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, कद्दू, कद्दू का ऊपर का डंठल की साइड का हिस्सा ऊपर से काटिए पूरी एक चक्री और उसको पांव के तलवे में रगड़िए, तो कद्दू शीतलता देता है और कद्दू पूरी जो अंदर की गर्मी है उसको निकाल करके और आपको बुखार उतार देगा। उसको अच्छी तरह से दोनों पाँव के तल में रगड़िए। कद्दू का मैक्सिमम सेवन करिए क्योंकि कद्दू में आपको जिंक पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तो जिंकोनिया गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्म पानी और जिंक कोरोना सहित कई प्रकार के वायरस से बचने का सबसे कारगर उपचार है। नियमित रूप से सभी को पीने के लिए गुनगुना पानी का उपयोग करना चाहिए और जिंक के लिए बादाम, अखरोट, कद्दू यानी पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, ब्रोकली, इनमें पर्याप्त मात्रा में जिंक होता है, तो ये आपकी जिंक की पूर्ति कर सकते हैं, इनका सेवन करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी पत्र, नीम, गिलोय, अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक, अजवाइन, ये सब मिला करके इसका काढ़ा बना करके और पी सकते हैं। हमारी लेमन टी पिए, दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो लेमन टी पिए। लेमन टी में कोई टी नहीं है, हमने नाम रखा है केवल एक सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए कि हमने टी पिए, हमारी लेमन टी पिए। इसमें 1.25 कप पानी में थोड़ा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़ और 4-5 तुलसी पत्र उबालें, और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए इसे आधे नींबू के रस में छान करके पिए। इससे आपकी लिम्सी की पूर्ति भी हो जाएगी और जो दूसरी चीज़ें हैं सिंकोनिया वगैरह उनकी पूर्ति भी हो जाएगी। सूप एक पिए, हमने एक सूप की रेसिपी बनाई है, उसमें पालक के 10 पत्ते, 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते यानी कड़ी पत्ते, 20 ग्राम हरा धनिया, 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, ये सब मिला करके सूप तैयार करें और उसमें हींग, जीरा, रायका छोंक लगा करके पिए। और यदि पालक और टमाटर आपको पसंद नहीं है या सूप का टेस्ट बदलना चाहते हैं कभी बीच में, तो 0.5 किलो कद्दू ले लें और पालक और टमाटर को इसमें से माइनस कर दें, तो इनकी जगह 0.5 किलो कद्दू ले लें। और सूप ये यदि ज़्यादा बनता है तो 2 दिन तक उपयोग किया जा सकता है, इसको फ्रिज में ढक कर के पूरी तरह से अच्छे से रखा जा सकता है और पीने के पहले इसको गर्म किया जा सकता है। 0.5 कटोरी सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कलियाँ गर्म कर लें, फ्राई कर लें और इसके बाद इन्हें तेल से निकाल दें। घर में भी और घर से बाहर आते जाते और रात को सोते समय भी अपने नाक, कान, नाभि और पांव के तलवों, छाती आदि में ये तेल थोड़ा सा लगा लें, तो इससे भी आपका बचाव होगा। इसी तरह से हमारी जो अमृत धारा है, आपको यदि सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो अमृत धारा को लेकर के सिर पे भी, लदार पे भी लगा सकते हैं और अमृत धारा को लगातार सूंघ भी सकते हैं, इससे भी आपको सांस लेने की तकलीफ कम पड़ेगी। और जो बॉडी मसाज, यदि आपका बॉडी पेन हो रहा है
तो बॉडी मसाज के लिए हमने अपना तेल बता रखा है ऑलिव ऑयल और रोजमेरी दोनों का कॉम्बिनेशन, वो आप पूरे शरीर पर मसाज करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। हमने कोशिश की है कि आपको कोरोना से संबंधित हर सवाल का जवाब दें, और आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसका पालन ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे मोटी बात है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और लोगों से भी करवाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। आप लोगों को हमारी किताब वगैरह चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी किताबें हैं खाना खजाना और किचन थेरेपी, उसमें हर बीमारी का इलाज बता रखा है हमने, घरेलू उपचार लेकिन विज्ञान की कसौटी पर खरा। दोनों किताबों में एक पैरा भी कोई ऐसा नहीं निकाल सकता जिसमें विज्ञान नहीं हो। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।